हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप है ना, ये लेफ्ट राइट यानी दायां बायां कम्बिनेशन जो होता है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन इस हिसाब से आता है। क्वेश्चन आपको एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के बाएं यानी बाएं से सातवें अक्षर के बाएं, तीसरे अक्षर के दाएं, चौथा अक्षर कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे जो है संबंधित एक ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालांकि इनका जो है इतना ज़्यादा इस समय कम पूछे जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी किसी एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, मैंने ये बताया था कि साइन जो है हमेशा ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट जो है हमारा क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इसके बाद राइट और लेफ्ट ये भी ऐड हो जाएंगे, और लेफ्ट क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, और राइट जो है आपके ये भी माइनस हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे विशेष करके। अब देखिए, ये कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। पहले जो है ये आपका पूछा जाता है, ये कई प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। पहला यूजुअल हो जाएगा, दूसरा रिवर्स हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट हाफ रिवर्स से, मतलब प्रथम अर्धांश के अक्षरों को जो आप उल्टे क्रम में रखते हैं उससे बेस, दूसरा द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को, लास्ट पूछेगा आपका बोथ हाफ रिवर्स, फिर उसके बाद पूछेगा बीच में कितने अच्छा रहे, फिर उसके बाद मिक्स बेस, और लास्ट में वेरिएबल। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें यूजुअल पढ़ेंगे, यानी हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम वास्तविक। ठीक है, वास्तविक पढ़ेंगे। अब वास्तविक में देखो, सबसे पहले हम वास्तविक में क्या पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे आता है, क्वेश्चन ये है, ये पहला क्वेश्चन इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको आपको ऐसे कर लेना है, पूरा नहीं लिखना, बाएं से कितना है आपको बताया पहले 12वें अक्षर, फिर के दाएं कौन सा है, के दाएं 8वां अक्षर, फिर अब क्या बोला है, के बाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट राइट क्या होगा आपका, दोनों हमने बताया है कि जुड़ जाते हैं, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, और ये लेफ्ट से 17। लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं हमने बताया, घट जाते हैं, तो लेकिन साइन ये नोट कर लेंगे यहाँ पे, ये सॉल्व करते समय हमेशा जो है पहले वाले कंडीशन को लेना, हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, पहली स्थिति को लेते हैं, मतलब जैसे हमारे इस साइन में पहले क्या है, लेफ्ट है, तो हम इन दोनों को अगर माइनस कर रहे हैं या घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो साइन आएगा यहाँ तो पहले वाला ही आएगा। तो यहाँ लेफ्ट लेफ्ट जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा बचेगा 3 बचेगा, और लेफ्ट से 3 क्या हो जाएगा हमारा, किसका होता है मान, सी का होता है, ऐसे याद करना होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा 3 आंसर आ गया, यानी सी आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे, मैंने ये देखो, मैंने ये लिख दिया है नोट्स में, ये मेरी क्लास नोट्स है, हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 22वें अक्षर, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं दाहिने से 22वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, इसके बाद के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखेंगे तुरंत जल्दी से करेंगे, तो राइट से हम जोड़ लेंगे, अपोजिट साइन जुड़ जाते हैं, विपरीत साइन जुड़ जाते हैं, 22 3 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भैया, दाएँ से 15, इसको उसी तरह एक एक स्टेप करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, तो अब दाएँ से कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपका ये 10 आ जाएगा। अब देखो, आपको जो अल्फ़ाबेट है वो याद होती है लेफ्ट तरफ से, ना कि राइट तरफ से, तो आपका मान अगर राइट से आ जाता है तो आप क्या करेंगे बनाने के लिए लेफ्ट में, तो राइट 27 माइनस 10 करेंगे, तो आपका जो भी मान आएगा तो लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट से कितना आ जाएगा 17, जो कि 17 किसका होता है, क्यू का, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। अब चलते हैं, देखो ये आपका, देखो एक इसमें नोट लिखा गया, इसको भी आप लोग ध्यान दे लेंगे, क्या देखिए, यदि वैल्यू 26 से ज़्यादा हो तो 26 घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू निगेटिव हो तो 26 जोड़ कर आंसर करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, जो नोट दिया गया है बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे, यदि वैल्यू 26 से ज़्यादा है, यानी लेफ्ट से अगर 32 आ रही है, तो हम उसमें से 26 माइनस करके आंसर करेंगे, जो भी आएगा, तो क्या आएगा, 12 में 6 आएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट से 6 यानी
छः एफ का मान होता है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू हमारी निगेटिव आती है, कैसे निगेटिव आएगी, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में 5 और फिर लेफ्ट में 9 बचता है, तो हम क्या आ जाएगा, माइनस का लेफ्ट में 4 बचेगा। तब कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 26 जोड़ेंगे, तो जैसे जोड़ेंगे तो लेफ्ट से हमारा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और लेफ्ट से 22 किसका होता है, वी का मान होता है, तो हमारा वी आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है अगला टाइप है रिवर्स का, रिवर्स मतलब उल्टे क्रम में लिखने पर। अंग्रेजी क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, एक क्वेश्चन पूरा पढ़ के फिर देखेंगे। क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं से 11वें अक्षर, दाएं मतलब राइट से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर, यानी बाएं मतलब लेफ्ट 7वें अक्षर, फिर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखो इसकी दो कंडीशन है, एक काम करना है आपको कि पहले ही यहाँ जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा और आर्डर जो है आपका रिवर्स कर देगा, उल्टे क्रम में कर देगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आर्डर आपका उल्टे क्रम में कर देगा तो तत्काल आपको यहीं पे चेंज कर लेना है, बाकी फिर आगे कुछ नहीं करना, आपका पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, यूजुअल जैसा यानी पहले जैसा। तो राइट को लेफ्ट बना लो, लेफ्ट 11, फिर लेफ्ट को राइट बना लो 7, और राइट को लेफ्ट बना लो 15। अब ये आपका पहले जैसे होगा, जैसे क्वेश्चन पहले था, तो कितना आ गया, लेफ्ट से 11, 7, 18, और ये भी लेफ्ट से 15, तो कितना गया, लेफ्ट से 3, और लेफ्ट से 3 किसका मान होता है, सी का, ये आपका आंसर आ गया। यही ये देखिए आपका ऐसे ही, अथवा क्या करेंगे आप, ये देखिए ऐसे किया यहाँ पे, और लास्ट में अगर आपको ऐसे नहीं करना, क्या अगर आपको ऐसे नहीं करना तब आप क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें यहीं पे तीसरे मेथड में अथवा करके सॉल्व करके बताया भी है कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट से 11 और लेफ्ट से 7 और राइट से कितना है 15, ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा आपका, राइट से 18 और फिर राइट से 15 तो कितना जाएगा, राइट से 3। अब देखो राइट से 3 आ गए, अब राइट से 3 आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, तो राइट 27 माइनस 3 तो आपका लेफ्ट से आ जाएगा कितना, लेफ्ट से आ जाएगा 24। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा कैसे, अब लेफ्ट से 24 देखो अंग्रेजी में ना उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, तो जो आप लोग लिख लेंगे अगर अंग्रेजी में तब तो बता देंगे, लेकिन उल्टे क्रम में लिखे हैं तो आपको समझ में तो आने वाला नहीं है, तो फिर आपको यहाँ से एक बार 27 से माइनस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट से 24 है अगर, तो 27 माइनस 24 करेंगे तो लेफ्ट से कितना आ गया, 3। अब ये हमारा 3 किसका होता है, सी का मान। अब देखो कितना यहाँ पे हमें भाग दौड़ करना पड़ा है, इससे अच्छा है कि अगर आर्डर रिवर्स का बोल दे, उल्टे क्रम में लिख दे, तो आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ये दिया गया है, उसको तुरंत आपको एक बार चेंज कर लेना है साइन, और फिर बाकी सॉल्व कर लेना है, आपका पहले जैसे क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में ये नोट लिखा गया है कि यदि आर्डर रिवर्स का हो तो आर के स्थान पर एल तथा एल के स्थान पर आर बना देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग में रहेगा, सॉरी यहाँ से एन से लेकर जेड तक ये आपका बताया है कि ए से लेकर एम तक इसको हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ, यानी प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश, ठीक है, ऐसे करना है। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो इसमें देखो क्वेश्चन हम एक तो पहले क्वेश्चन लेते हैं उसी से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमने ले लिया, यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन आपका दिया गया क्या है, आप लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाहिने से यानी दाएँ से राइट से दाहिने से 6वें अक्षर के बाएँ 8वां अक्षर के बाएँ 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो आप लोग तुरंत कर ले रहे हैं, राइट से 8, 6 कितना हो जाएगा 14, और फिर लेफ्ट से 5 और फिर कितना हो जाएगा राइट से 19। अब देखो राइट से 19 आ रहा है तो लेफ्ट से बना लो पहले इसको, तो लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करेंगे इसको, अब उस तरह तो आप डायरेक्ट रख देंगे क्या,
राइट से 19 आ रहा है, तो देखें अगर जिस ये देखो ए एन से इधर उल्टा है, तो राइट से 19 यानी यहाँ पे कहीं आ रहे हैं, इस बीच में आ रहे हैं। इधर तो इधर से देखो ये 1 से 13 तक ये हो गया, लेकिन ये 13 से लेकर 1 तक लिखा है ऐसे, और ये हमारा 14 से लेकर 26 तक हूबहू सेम लिखा है। तो अब हमने देखा कि राइट से इधर से आ रहा है तो यहाँ कहीं पहुँचेंगे, तब दिक्कत है। अब क्या करेंगे भैया, तो पहले राइट को हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें हम 27 - 19 कर देंगे तो कितना जाएगा, 57 हो गया 8, तो लेफ्ट से कितना आ गया 8। अब देखो लेफ्ट से 8 आ गया, तो अब यहाँ भी दिक्कत है। अगर मान हमारा 13 से अधिक आता, किससे 13 या 13 से अधिक आता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये सेम लिखे गए हैं। लेकिन 13 13 से कम आता है तब हमें दिक्कत होती है, ये हमारी पहले वाली कंडीशन है। अब क्या करेंगे, अगर हमारा मान 13 से कम आएगा तो हम उसको 14 से घटाकर आंसर कर दें, तो 14 - 8 कर देंगे तो कितना जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा 6। अब हम आंसर कर सकते हैं, और 6 किसका होता है, एफ का मान होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करेंगे, फिर एक बार समझ लेते हैं जिसको दिक्कत होगी। क्या बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं से 6वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने इसको लिख लिया, सॉल्व किया, जैसे सॉल्व किया तो हमारा दाएं से आ गया 19, दाएं से जैसे आता तो उसको हम बाएं से पहले बाएं में कन्वर्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मान जो हम लोग याद करते हैं अल्फ़ाबेट के, तो हम बाएं से याद करते हैं ना कि दाएं तरफ से। इसलिए आपको क्या करना है कि बाएं से मान इसका याद करना है। जैसे आपने बाएं से निकाल लिया तो बाएं से लेफ्ट आ गया। अब लेफ्ट में ये समस्या आ रही है कि ये जो हमारे लेटर हैं ये उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, यहाँ तक ए से लेकर 13 तक, तो मतलब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये कंडीशन अपनाएंगे कि 14 से माइनस कर देंगे जो भी संख्या हमारी आएगी। तो हमारा आगे लेफ्ट से 6, और 6 मान होता है एफ का। अब इसमें आप वैसे भी देखेंगे तो भी आपका आ जाएगा। अब एक बार प्यारे बच्चों नोट्स पढ़ लो, यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नोट में कि यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से ज़्यादा आए तो एज इट इज आंसर कर देते हैं, मतलब सेम आंसर हो जाता है आपका। क्लियर हुआ, चलिए अब आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अब देखिए ये आ गए हम अगले टाइप पे, सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने पर, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं, फालतू टाइम जो आपका समय है नहीं वेस्ट करेंगे। देखो ए से और हमने एम तक तो सेम रखा है, लेकिन जो हमारा जेड से ये है हमने इसको क्या किया है, उल्टा कर दिया। अब यही समस्या होगी, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर जो है के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये बताना है बच्चों आपको। तो देखो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने आप तुरंत कर लेते हैं, तो 13 - 5 कितना हो जाएगा 18, और हमारा हमेशा पहली कंडीशन को या पहला साइन लेते हैं, राइट से कितना आ जाएगा 6, तो अब कितना आ जाएगा लेफ्ट से 18 - 2 = 24, लेफ्ट से 24 आ गया। अब तो समस्या हो गई, क्यों, क्योंकि ए से लेकर एम तक तो हमने सेम लिखा है, बल्कि इधर जेड से लेकर एम तक इनको उल्टा कर दिया है एन तक। तो अब अगर ऐसी कंडीशन आती है, यानी हमारा मान 14 से 26 के बीच में आता है, तब क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लिख लेंगे नोट में, उस कंडीशन में हम 40 से घटा कर आंसर करते हैं। देखो अब कितना आ गया हमारा 24, तो लेफ्ट से 24 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे 40 - 24, तो जैसे ही करेंगे तो हमारा लेफ्ट से आ जाएगा 16, और लेफ्ट से 16 किसका मान होता है, पी का। क्लियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप अब चलते हैं, देखो एक बार फिर से समझ लेते हो, या तो क्वेश्चन एक ठो दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया, लेफ्ट से 10 और राइट से
आठ और इसके बाद लेफ्ट से 16, तो देखो 10 है और 8 है, तो लेफ़्ट से कितना आ गया 18 और ये लेफ्ट से 16, एक एक स्टेप करना है, तो लेफ़्ट से कितना आ गया 2 और लेफ़्ट से 2 किसका होता है, बी का। अब देखो ये ध्यान रखना है कि अगर आर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का हो, ठीक है, सेकेंड हाफ का वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो क्या करेंगे हम, उसी तरह आंसर कर देंगे। लेकिन अगर 13 से अधिक आती है, 13 से यानी 14 से 26 के बीच में आती है, तो हमेशा हम 40 से घटाकर, हमेशा हम इस कंडीशन में 40 से घटाकर फिर आंसर करते हैं। इस चीज़ को नोट रखेंगे आप लोग, यही चीज़ यहाँ पे मैंने नोट में लिखवा दिया है कि यदि आर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 से ज़्यादा आए तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो एज इट इज आंसर करते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये आपका अगला टाइप आ गया, ये जो हम पांचवा टाइप है इसमें क्या किया गया है, इसमें आ गया है बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स मतलब समझ रहे हैं, दोनों अर्धांश के अक्षरों के यानी उल्टे क्रम में उसने रख दिया है। अब क्या होगा, देखो पहले वाले को आपको पता है, दूसरे वाले का भी पता है, तो अब आप आसानी से कर लेंगे। सॉरी, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलेंगे तभी हमें क्लियर होगा। लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 12 और राइट से 15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होते हैं घट जाते हैं, तो लेफ्ट से 7 आ जाएगा, फिर राइट से 15, और लेफ्ट से कितना आ जाएगा 15 5 20 तो 22, लेफ्ट से 22 आ गया। अब देखो चाहे अगर लेफ्ट से भी आता है मान तो भी हमें वही कंडीशन करना है, और राइट से भी आता है तो भी, क्यों, क्योंकि हमारा आर्डर जो है ए से एम नहीं है, एम से ए है, और दूसरा जो है जेड से एन है, मतलब दोनों अर्धांश हमारे उल्टे हैं, दोनों कंडीशन में हमें घटाकर आंसर करना है, तो लेफ्ट से 22 आ गया। अब ये बताया है कि अगर द्वितीय अर्धांश के अक्षर देखो उल्टे क्रम में हैं तो हम क्या करेंगे 40 से घटाकर आंसर करेंगे, तो लेफ्ट से 40 माइनस 22 करेंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 18, 18 किसका होता है लेफ्ट से, आर का होता है, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। एक तो और ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, देखो इसमें सीट में ही आपको दिया गया है, राइट से 15, फिर राइट से 19 और फिर जो है आपका लेफ्ट से 5, तो आपका आ जाएगा राइट, राइट क्या होते हैं आपका घट जाते हैं, लेकिन राइट कितना हो जाएगा लेफ्ट 4 और फिर लेफ्ट से 5, तो कितना आ जाएगा राइट से 9, अब राइट से 9 आ गया, फिर राइट से मान आपको पता नहीं होता तो पहले लेफ्ट में बनाइए इसको, तो लेफ्ट 27 राइट 27 माइनस 9 तो लेफ्ट से आ जाएगा, लेफ्ट से कितना आ जाएगा आप जैसे ही घटाएंगे तो आपका 18 आ जाएगा, लेफ्ट से 18 आया तो कहाँ है मान, आपका मान यहाँ है, तो फिर आप हमें 40 से घटाना पड़ेगा, तो लेफ्ट 40 माइनस 18 तो लेफ्ट कितना आ जाएगा 22, और 22 किसका होता है वी का। ये देखिए आपके दोनों क्वेश्चन सही हो गए, ये आपके लगभग लगभग टाइप जो इसके बनते हैं, मैंने यहाँ सारे टाइप करवा दिया है। अब हम लास्ट में इसका अगला टाइप है, क्या है मिक्स टर्म या बीच में कौन सा टर्म होता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये जो चीज़ आपकी जितने टाइप की थी ये मैंने बता दिया। थैंक यू, जिसको भी समझ में नहीं आएगा तो कृपया आप लोग कमेंट कर देंगे, आप चूँकि क्लास में जो है सारे प्रैक्टिस करवाना क्वेश्चन नहीं हो पाता, तो हम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है इसी पे करेंगे, और जो ऑफलाइन आपकी क्लास लगती है उसमें जो भी डाउट हो आप जैसे ही टॉपिक समाप्त हो उसमें आप लोग पूछ लेंगे, बाकी जो भी डाउट होगा मुझे लगेगा जो चीज़ें छूट रही हैं जो क्वेश्चन करवाना चाहिए तो मैं इसमें प्रैक्टिस सेट में करवा दूँगा, और आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है वो आप लोग जानते हैं। थैंक यू गाइज़।